ਨੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ? ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ? ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਪਰਸਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਆ ਬਾਈ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारे कॉलेज के द्वारा एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें हम हिमाचल की वादियों में घूमने के लिए गए थे। तो पिछले ब्लॉग में तो मैंने आपको सोलन घुमाया था, तो आज उसी ट्रिप का सेकेंड पार्ट है और अब हम जा रहे हैं शिमला के लिए। तो अब हम सभी दोस्त शिमला जाएंगे और वहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस थोड़ी देर में शिमला आने वाला है और फिर वहाँ पर आपको दिखाएंगे वहाँ की वादियाँ। बहुत एक्साइटमेंट हूँ, पहली बार जा रहा हूँ शिमला। तो अभी हम शिमला के बस स्टैंड पर हैं, यहाँ से दूसरी बस लेंगे क्योंकि जो हमारी बस थी उसके लिए आगे जाने नहीं दिया जाता। तो अभी दस दूसरी बस में जाएंगे। फर्स्ट टाइम शिमला आए और बस में देखो कितनी भीड़ है। बहुत खड़े खड़े जा रहे हैं, वो भी गेट के पास, बिल्कुल खिड़की के पास। ये भी है कि एक नया एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस है सर जी। ये देखो कहाँ पर खड़े हैं हम, बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हैं। फाइनली उतर गए यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम माल रोड की तरफ जा रहे हैं। सच कहूँ तो बुरा हाल हो गया बस में ही। नो कीवेद एक्सपीरियंस रहा तेरा? बढ़िया भाई, तुम सुना? दिख नहीं रहा इस वक्त। ऐसे ही पर्सनल एक्सपीरियंस कोई ना ले भाई। ये सारे, ये सर जी का लड़का है, थोड़ा थोड़ा आ रहा। स्टैमिना तो इसमें है भाई। तो अभी हम माल रोड के लिए जा रहे हैं। सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, बस 10 दिन के मेहमान रहे सारे हम। 10 दिन बाद बाकी दुनिया थी रहेंगे रहेंगे दुनिया में ही, लेकिन बस ये है कि सब अलग अलग, सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। पता नहीं फिर कभी मिलना भी होगा नहीं मिलना होगा। तो ये माल रोड है, इसी जगह का नाम माल रोड होता है। इसके साइड में चर्च है और ठंडा सा मौसम हो गया दोबारा, मज़ा आ रहा है घूम के। यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ों में धुंध हो रही। फाइनली इतना लंबा रास्ता तय करने के बाद ये रहा हमारा शिमला, शिमले की मेन पहचान। अभी एंजॉय कर रहे हैं पूरा शिमला, सभी अपने अपने फ़ोटो खिंचवाने में शामिल है और हम अपना ब्लॉगिंग करने में शामिल हैं। फोटो में तो बस स्टेटस डालो ख़त्म, ब्लॉगिंग तो हमारी उम्र भर यूट्यूब पे रहेगी। शिमले का लोगो चर्च।
तो जी अभी हम जा रहे हैं चर्च में, ये सारे हमारे दोस्त। चलिए फिर चर्च दिखाते हैं आपको। यहाँ पर ये पोज एरिया बन गया है, लाइन बाय लाइन सभी फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। आज तो नहीं ख़त्म होने वाला, दूसरे टूरिस्ट के लिए नहीं है ये, बस इन्हीं के लिए रह गया। तो अभी हम एक होटल में आए हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ खाते पीते हैं। It's caught in the crossfire.